इसको हम लोग, ये भी कंपाउंड स्टेटमेंट है, बीच में एंड है, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे और। अब सुनो बच्चे, ये हमारा पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट सही कब हो जाएगा, जब इसमें से मतलब ये दोनों हमारा ये पूरा कंपाउंड स्टेटमेंट करेक्ट कब होगा, जब दोनों करेक्ट हो, ये भी करेक्ट हो ये भी करेक्ट हो, एक्स वाई से बड़ा भी हो और अगर एक्स जेड से बड़ा भी है, एक्स जेड से भी बड़ा है और जेड वाई से भी बड़ा है, मतलब ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है, तब जाके हम बोलेंगे ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, अगर एंड लगा है तो, और लगा होता तो कोई एक करेक्ट होता तो हम बोल देते ये करेक्ट है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट, बट एंड में क्या होना चाहिए, ये भी करेक्ट होना चाहिए एंड ये भी करेक्ट होना चाहिए, तभी जाके हम बोलेंगे ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कोई अगर एक भी इनकरेक्ट हो गया, मान लो कि ये करेक्ट हो गया बट ये इनकरेक्ट हो गया, तो ऑन द होल ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बात आई थिंक आपको क्लियर हो रही होगी, मैं बोल रहा हूँ काफ़ी, मैं स्ट्रेस दे दे के समझा रहा हूँ। ठीक है, तो एंड और का यही मतलब होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या हुआ, और अगर हमारे पास कोई दो स्टेटमेंट है वो और से कनेक्टेड है, तो वो पूरा स्टेटमेंट सही कब होगा, जब दोनों स्टेटमेंट में से कोई भी एक स्टेटमेंट सही हो जाए, दोनों सही हो जाए तो भी वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दो स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड है, तो वो स्टेटमेंट सही कब होगा, करेक्ट कब होगा, जब वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो ऑन द होल वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब बात आ गई समझ में। अब तुम सोचोगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, तो इसके पीछे दो रीज़न है। ये जो मैंने अभी बताया, एक चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग 11th क्लास के, एनसीईआरटी में देख लेना, उसमें ये सब पढ़ाना है तुम्हें। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं इन सब छोटे छोटे पॉइंट्स पे। ठीक है, जैसे एक मैं ये बता रहा हूँ, अगर मान लो अभी मैंने ऐसे बोला किसी बच्चे से, मैंने बोला कि 3 is greater than 2, ये बताओ करेक्ट है या फॉल्स है, तो बोलेगा करेक्ट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत बताएगा करेक्ट है। मैं बोलूँगा क्यों करेक्ट है, वो बोलेगा कि 3 2 से तो बड़ा ही होता है इसीलिए करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 3 जो है वो लेस है क्या 4 से, तो वो भी बोलेगा कि हाँ ये भी करेक्ट है, बिकॉज 3 4 से छोटा होता है। अब मैं अगर उसे ऐसे बोल दूँ कि 3 is greater than equal to, ये करेक्ट है, तो जो भी बच्चे एवरेज स्टूडेंट होंगे ना, वो क्या बोलेंगे, सर इनकरेक्ट है ये गलत है। मैं पूछूंगा क्यों गलत है, क्लास में मैं अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन देता हूँ, जो 10th पास आउट बच्चे होते हैं ना, उनसे मैं ये क्वेश्चन देके पूछता हूँ, बोलता हूँ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो मैक्सिमम 90% बच्चे बोलते हैं सर इनकरेक्ट है। मैं पूछता हूँ क्यों इनकरेक्ट है, तो बोलेंगे कि 3 2 के इक्वल थोड़े ना होता है, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि ये कहाँ बोल रहा है कि 3 2 के इक्वल है, ये थोड़े ना बोल रहा है कि 3 2 के इक्वल है, 3 is equal to 2, ये क्या बोल रहा है, 3 ऐसे लिखने का क्या मतलब है, ये बोल क्या रहा है तुम्हें, ये बोल रहा है कि 3 is greater than, और बीच में क्या लिखा है, और 3 is equals to 2, ये कंपाउंड स्टेटमेंट, इसका ये मतलब है। तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट है और इसके बीच में क्या लगा, और, तो इसका क्या मतलब है, इस दोनों में से कोई एक भी सही हो जाए तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। हमें पता है कि 3 is greater than 2, ये स्टेटमेंट सही है ना, तो ये फिर स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में, और का मतलब पता है क्या होता है, और का मतलब होता है तुमको ऑप्शन, और का मतलब क्या होता है ऑप्शन, एंड का मतलब क्या होता है कंडीशन, मतलब कि इसने तो ऑप्शन दे दिया ना और में, कि दोनों में से कोई एक करेक्ट है क्या, तो हाँ ये वाला चीज है ना करेक्ट, तो ये करेक्ट हो जाए, ये गलत है, 3 2 के इक्वल नहीं होता है तो रहने दो, बट ये करेक्ट है तो ये हमारा करेक्ट, अगर ये दोनों करेक्ट होता तो भी ये करेक्ट हो जाता, बट दोनों करेक्ट हो नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हमारे पास दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो साइमल्टेनियसली एक नंबर से बड़ा भी हो जाए और उसके इक्वल भी हो जाए, ऐसा कोई नंबर आज तक बना ही नहीं है। ऐसा कोई नंबर है, अगर मैं बोलूं कि 10 है 10 है, तो 10 क्या कोई एक नंबर 10 है, तो 10 क्या होगा, किसी एक नंबर से अगर बड़ा हो गया या छोटा हो गया तो उसके बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सब बात आ गई समझ में। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ऐसे 3 is greater than equal to 5 बोलूं, अब बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो फिर बहुत बच्चे फंस जाएंगे, वो बोलेंगे सर करेक्ट है, तो क्यों करेक्ट है, तो इसमें ये क्या लिखा है, 3 is greater than 5,
और ये क्या है, थ्री इज इक्वल्स टू फाइव, इक्वल्स टू फाइव। तो देखो तीन पांच से बड़ा भी नहीं है, तीन पांच के इक्वल भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। ऑन द होल क्या हमारा ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स लिखा हुआ है, तो मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर वन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है, फोर इज ग्रेटर देन थ्री, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। सेकंड में क्या बोला है, फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो इसमें भी बच्चे जो होते हैं, जैसे बहुत बच्चे यहाँ भी फिर वो कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे ही मैं बोलूँ ना फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो क्या बोलेंगे कि सर ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, बट ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों बोलेंगे, पाँच पाँच से बड़ा थोड़े ना होता है, तो कहाँ मैं बोल रहा हूँ कि पाँच पाँच से बड़ा होता है, ये तो मैंने बोला नहीं है, मैंने तो ऑप्शन दिया है ना, फाइव इज ग्रेटर देन फाइव और फाइव इज इक्वल्स टू फाइव, तो बीच में जो ऑप्शन है ये जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है इसके बीच में और है ना, तो और का मतलब होता है क्या, ऑप्शन। पाँच पाँच के इक्वल तो है, तो फाइव फाइव के इक्वल है, तो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। जैसे मैंने बोला ना फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, तो इसके दो मीनिंग आ गए ना, एक तो हो गया फाइव इज ग्रेटर देन फाइव और बीच में लगा है और, क्या बोल रहा है फाइव इज इक्वल टू फाइव, तो ये वाला तो फॉल्स है बट ये तो करेक्ट है, तो ये करेक्ट है, तो इसका मतलब कि ऑन द होल ये पूरा जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रू लिखा हुआ है। अब अगर मैं बोलूँ 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोलूँ 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इसको पता है रीड कैसे करते हैं, 5 इज ग्रेटर देन और 5 इक्वल्स टू 6, तो हमें क्या पता है कि 5 जो है वो ना ही 6 से ग्रेटर है और ना ही 5 6 के इक्वल है, तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट मिला इसमें दोनों जो स्टेटमेंट है दोनों फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑन द होल क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, बिकॉज 5 इज ग्रेटर देन 6 ये भी फॉल्स है, 5 इज इक्वल टू 6 ये भी फॉल्स है। ठीक है, अब